नमस्कार, मैं हूँ रेणु भाटिया। न्यूज अब भारत में आपका स्वागत है। तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में धरना देने जा रहे बागपत के किसानों को पुलिस ने बीच में ही रोक लिया। क्रांतिकारी बसौत गांव से दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रहे किसानों को सिंघावली अहिर पुलिस ने रोक लिया, जिससे नाराज किसानों ने हंगामा कर जाम लगाने का भी प्रयास किया। किसान सिंघावली अहिर इलाके में ही सड़क किनारे धरना देकर बैठ गए और अपनी आवाज़ बुलंद की। किसानों ने चेतावनी दी है कि वो पीछे नहीं हटेंगे और 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे। बता दें कि बागपत के कई गांवों से सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली के लिए रवाना होंगे और सभी की मांग है कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। हमने धरना प्रदर्शन किया, हम सभी लोगों को लेके दिल्ली ट्रैक्टर मार्च के लिए ट्रैक्टर लेके जा रहे थे। हमें यहाँ के थाना सिंघावली अहिर की पुलिस ने रोक दिया, हमें जाने नहीं दिया, इसलिए हम सभी लोगों को लेकर यहाँ धरने पर बैठ गए। तो कहाँ जाना चाहते हैं? और हम जाना चाहते हैं दिल्ली सिंघो बॉर्डर से होते हुए लाल किले पर ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए। हम करीब 10 ट्रैक्टर लेकर आए थे, लेकिन पुलिस ने हमारे ट्रैक्टर वापस करा दिया। हम 2-4 ट्रैक्टर लेकर यहाँ ज़बरदस्ती रुके हुए हैं और हम बिल्कुल दिल्ली जा कर रहेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, किसान धरने को सफल बनाएंगे। 26 तारीख तक हम जरूर पहुँच जाएंगे। तो आज जाएंगे आप? हाँ, आज शाम को यहाँ से चलेंगे और इसी तरह गांव तक होते हुए जरूर हमें जो है ट्रैक्टर मार्च में शामिल होना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत। देश विदेश की सबसे बड़ी और अहम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज हब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।